नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको फाइल फ़ोटो के साथ नज़र आ रही है हमारे चैनल पर, ये ब्लॉक मुख्यालय के अंतर्गत सालपुर निवासी वत्सल उर्फ शिवम 24 वर्षीय पुत्र सुभाष उर्फ मोदी के सुपुत्र हैं। और जो बता दें कि गत दिनों सड़क हादसे में शनिवार को जख्मी हुए थे थाना रेवसा इलाके में। वहीं पर गंभीर अवस्था में रेवसा सैची भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद नाजुक हालत में चिकित्सकों ने जिला बहराइच रिफ़र किया गया था एम्बुलेंस की मदद से। वहीं पर एम्बुलेंस के डॉक्टरों बहराइच के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और लखनऊ रिफ़र कर दिया गया ट्रामा सेंटर, जहाँ पर आज सुबह आला सांसें वत्सल उर्फ शिवम की सांसें थम गईं। सांसें थमने की खबर सुनते ही पूरे गांव और ब्लॉक मुख्यालय कस्बा के अंतर्गत क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पर नात रिश्तेदारों का तांता और इंतजार शव आने को लोग कर रहे थे। गांव में पूरी तरीके से काली बीत रही थी। वहीं पर हर व्यक्ति आहत था और नम आंखों से उनको शोक श्रद्धांजलि लोगों ने दी और ईश्वर को से चरणों में स्थान देने की कामना की। एक कारवां और अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए, नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वत्सल उर्फ शिवम की लोकप्रियता इस कदर से लोगों के जहन में घाव कर गई कि आज भी वो चुप रही और घर के लोग रो रो कर, बुरा हाल था और कह रहे थे अगर कहीं ये मालूम होता तो रोक लेती, न जाने देती। बताया कि वत्सल दीपावली में घर आया था और शनिवार की सुबह बाइक से जा रहा था और बाइक से जाते वक्त चिरैया के पास थाना रेवसा इलाके में महमदाबाद रोड पर एक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया था। गंभीर अवस्था में सेसी लाया गया और बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, प्राइवेट जॉब करता था, अधिकारी बनने की इच्छा थी। वत्सल और शिवम दो भाई थे। वत्सल सपने परिवार में सबसे छोटे थे और एक बड़ा भाई है और पिता किसानी करते हैं, लखनऊ में रहते। 6 माह पूर्व करीब एक चाचा मनीष का भी निधन हो गया था। वो घाव भरा नहीं था कि दूसरा घाव